नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। मेघना साहू मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज से एमबीए कर चुकी मेघना देश की पहली ट्रांसजेंडर कैब चालक बन गई है। ये पहली दफा हो रहा है जब कोई ट्रांसजेंडर कैब चालक बनकर लोगों की सेवा करेगी। इस संघर्ष की कहानी को मेघना ने खुद से बयां की है और बताया है कि कैसे उनके जेंडर की वजह से कई बार उन्हें पक्षपात का सामना करना पड़ा। मेघना ने कहा कि उनके कैब में बैठने से न तो महिलाएं डरती हैं और न ही पुरुषों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। मेघना इस उम्मीद में ही नौकरियां बदलती रही कि दूसरे लोगों की तरह उन्हें समान व्यवहार मिलेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग के साथ ही नौकरी हासिल करने में भी मुश्किलें आती रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रांसजेंडर्स को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दे दी, तब उनके लिए चीजें कुछ आसान होने लगी। ट्रांसजेंडर के रूप में खुद के कैब ड्राइवर बनने की कहानी को लेकर मेघना ने जो कुछ बताया है, उसे जानकर ही पता चलता है कि इस मुकाम तक आने के लिए उन्हें कैसे कैसे संघर्ष करने पड़े हैं। खासतौर पर मेघना ने कहा कि पुरुष पैसेंजर्स को भी उनके जेंडर की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मेघना ने ट्रांसजेंडर समुदाय के दूसरे लोगों से भी ड्राइविंग में करियर बनाने और इसके सहारे अपने पैरों पर खड़ा होने की अपील भी की है।